के जाऊं मेरी शहजादी, माशाल्लाह अल्लाह किसी की नजर ना लगाए, बड़ी प्यारी लग रही है। माँ? क्या माँ? इधर देखो, लगता है कि माहिर के साथ मेरी बेटी बहुत खुश है ना? अच्छा छोड़े ये सारी बातें, बाबा कहाँ है? अरे बाबा से भी मिल लेना, पर मैं तो जी भर के देख लूं अपनी बच्ची को, जी भर के बातें कर लूं। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम खुश तो हो ना? मेरा मतलब है तुम्हारी सास तुम्हारा ख्याल तो बहुत रखती होगी, तुम्हें बहुत प्यार करती होगी, है ना? देखो बेटा, किसी भी माँ बाप के लिए ना अपनी बेटी को किसी दूसरे घर में भेजना इतना आसान काम नहीं होता। माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी अपने घर में खूब खुश रहे, क्योंकि किसी दूसरे घर के बीच में रहना, उनके मिजाज को समझना बहुत मुश्किल बात होती है। या तो वो खुश होती है या फिर ना खुश, लेकिन तुम तो खुश हो, है ना? आप ना इतनी फिक्र मत क्या करें मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। वैसे भी वो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। वो अच्छा जी, अब वो हो गए वो, है ना? माँ अरे आप आ गए। मेरा माँ बच्चा, कैसा है भाई? ठीक ठाक है? तुम कब आई? बस अभी आई मैं। ठीक, आप कैसे हैं? तुम्हें फोन पे बता तो दिया था, लगता है तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आया, इसीलिए बाबा से मिलने चली आई। देखो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बल्कि खुश हूँ। मुमताज जी, शादी के बाद बेटी पहली दफा घर आई है, आज खाने में कुछ अच्छा सा बना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी। नहीं 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 माम नहीं, बाबा मायर अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे मुझे लेने, तो कोई बात नहीं, फिर कभी सही, अभी घर जाना है वापस। मेरी बेटी शादी के बाद पहली दफा घर आई है, खिलाए पिलाए बगैर तो जाने नहीं दूंगा। और तुम परेशान ना हो, छोटे साहब मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। बाबा अगर अब आप उन्हें छोटे साहब ना कहें तो अच्छा नहीं लगेगा, दामाद है वो आपके, अच्छा लगेगा मायर को भी ये सुनकर अगर आप उन्हें अपना बेटा या दामाद कहें। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, अपने मियाँ के मिजाज को कितना समझना शुरू कर दिया। सदके अपने काम की। सोनी बेटी, मैं कुछ इंतजाम करूं खाने के लिए। मेरे पास बैठे ना, थोड़ी देर के लिए आई हूँ मैं। पराठा खाओ। बस मेरे पास बैठ जाओ मुमताज, बैठ जाओ, आज मैं इसको चाय बना के पिलाता हूँ। लो भी, तुम्हारे अब्बा तो बहुत खुश हैं, देखा तुम चाय पिलाती थी ना, उन्होंने भी कहा मोश मोश मोश। भाई तुम आई हो, मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई है ना, तुम्हें हमेशा ऐसी खुश रखे मेरा बच्चा, मेरी सोनी।